मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मॉन्ट्रियल टाइगर्स ग्लोबल T20 की फातह करार। पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी की तबाहकुन बाउलिंग। अब्बास आफरीदी ने वैनकोवर के खिलाफ हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। कनाडा ने बगावत के बाद नाइजर की हुकूमत को तमाम बराह रास्त फंडिंग मुअत्तल कर दी। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। बगावत खत्ते में जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। कैनेडियन हुकूमत शाम में अपने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। अक्वामे मुत्तहदा की खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि बच्चों को शाम के कैंपों में छोड़ना नाकाबिले फहम है। कैनेडियन इकदाम ने बैनुल अक्वामी सतह पर दीगर कोशिशों की बेकदरी की है। यूक्रेन मुज़ाकरात ने अमन की मुश्तरका बुनियाद फराहम कर दी। जद्दा मुज़ाकरात का एलानिया जारी। रूस ने सऊदी अरब में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को फरेब करार दे दिया। यूक्रेन बहरान पर मुज़ाकरात, 10 नुकाती अमन फार्मूला पेश। ट्रंप ने इलेक्शन फ्रॉड केस में जज तानिया चिटकन को हदफ बना लिया। ट्रंप का मौकफ है कि मौजूदा जज की मौजूदगी में मुनसिफाना ट्रायल का इम्कान नहीं है, केस को वाशिंगटन से मुंतकिल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Montreal Tigers ने सुरे जैगुआर्स को कनाडा क्रिकेट G20 शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल टाइगर्स ने सिरे जगुआर्स को शिकस्त देकर G20 कनाडा क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली। मॉन्ट्रियल टाइगर्स को ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो के एक खचा खच भरे क्रिकेट एरिना में खेले गए फाइनल मैच में सिरे जगुआर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देने के बाद 2023 ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट टूर्नामेंट के चैंपियन का ताज पहनाया गया। जमैका के स्टार आंद्रे रसेल ने आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर 131 रन के हदब के साथ मैच जीतने वाला छक्का मारा। टाइगर्स को आखिरी 6 गेंदों पर 13 रन दरकार थे। पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर ने ग्लोबल T20 लीग में बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। इस दौरान पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी ने तबाहकुन बाउलिंग का मुजाहरा करते हुए मुखालिफ टीम के होश उड़ा दिए। ग्लोबल T20 की टीम मॉन्ट्रियल टाइगर्स की जानिब से खेलते हुए अब्बास आफरीदी ने वैनकोवर के खिलाफ हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल कर ली। अब्बास आफरीदी ने कॉर्बन बोश, रिसी वनडरसन और नजीब जदरान को आउट करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। टाइगर्स कप्तान क्रिस लिन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कनाडा में हर कोई इसे देख रहा था क्योंकि हम इसी के बारे में हैं, इसीलिए हम यहां तफरीह करने और एक शो करने के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के टाइगर्स कप्तान क्रिस लिन ने कहा, 6 टीमों के टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन ब्रैम्पटन में 17 दिनों में 25 मैचों पर मुश्तमिल था, जिसमें मॉन्ट्रियल ने अपना पहला टाइटल अपने नाम किया। वैनकोवर ने 2018 में टूर्नामेंट जीता। इसके बाद 2019 में विनीपेग हॉक्स ने जीता। 2023 के एडिशन में टोरंटो नेशनल्स, ब्रैम्पटन वॉल्व्स और मिसिसोगा पैंथर्स भी शामिल थे। रिसल ब्रैम्पटन में मुकाबला करने वाले मुतादिद बैन अल-अक्वामी क्रिकेटर्स में शामिल थे, जिनमें शुएब मलिक ब्रैम्पटन, हरभजन सिंह ब्रैम्पटन, शाहिद आफरीदी टोरंटो और क्रिस गेल मिसिसागा ने भी हिस्सा लिया। अब्बास आफरीदी इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब तरीन बाउलर भी थे। उन्होंने मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए PSL 2023 में 23 विकेटें हासिल की थी। वाज़ह रहे कि अब्बास आफरीदी पाकिस्तान के लिए अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं।
कैनेडा ने बगावत के बाद नाइजर की हुकूमत को तमाम बराह रास्त फंडिंग मुअत्तल कर दी, ताहम कमज़ोर आबादी के लिए दीगर इमदाद जारी रहेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा ने बगावत के बाद नाइजर की हुकूमत को तमाम बराह रास्त फंडिंग मुअत्तल कर दी, ताहम कमज़ोर आबादी के लिए दीगर इमदाद जारी रहेगी। कैनेडा ने ऐलान किया है कि वो मगरबी अफ्रीकी मुल्क में फौजी बगावत के तनाजर में नाइजर की हुकूमत को माली इमदाद फराहम करना बंद कर देगा। फौजी जनता के रहनुमाओं ने इतवार को मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक्तिसादी बिरादरी की तरफ से दी गई डेड लाइन को मुस्तरद कर दिया, जिसे एकवास कहा जाता है। जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजुम को बहाल करने या मुमकिन गैर मुल्की मदाखलत का सामना करने के लिए। मजीद बारह नाइजर ने एकवास की जानिब से फौजी मदाखलत के खतरे का हवाला देते हुए इतवार को अपनी फिजाई हदूद को अगले नोटिस तक बंद कर दिया। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने एक बयान में कहा है कि बगावत खत्ते में जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इसका कहना है कि कैनेडा की हुकूमत नाइजर की हुकूमत को तमाम बराह रास्त फंडिंग मुअत्तल कर रही है, लेकिन कमज़ोर आबादी के लिए दीगर इमदाद जारी रहेगी। वजीर खारजा मिलानी जुली ने बयान में कहा कि कैनेडा एकोवास की सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। आलमी उमूर के महकमे का कहना है कि 2020 में नाइजर के साथ दो तरफा तरक्याती माहदे पर दस्तखत किए जाने की तवक्को थी कि 2026 तक सालाना बजट 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस प्रोग्राम ने माली साल 2021 से 2022 में 2.71 मिलियन डॉलर तकसीम किए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि कैनेडा शाम की जेलों से वापसी में मदद ना करके अपने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि कैनेडा शाम की जेलों से वापसी में मदद ना करके अपने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। एक इंटरव्यू में फिनोवालनी अवली ने कहा, कैनेडा समेत किसी भी मुल्क के लिए ये नाकाबिल फहम है कि वो अपने कमज़ोर बच्चों को उन कैंपों में एक दिन से ज़्यादा छोड़ दें। अक्वामे मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे ने कैनेडा की हुकूमत पर मुनाफकत का इल्ज़ाम भी लगाया। ये दलील दी कि शाम में शहरियों के खिलाफ इसके इकदाम ने बैन अवी सतह पर दीगर कोशिशों की बेकदरी की है। अक्वामे मुतहदा की नुमाइंदा का कहना था कि कैनेडा अक्वामे मुतहदा में बच्चों के मुसलह तनाजात के एजेंडे में सरे फहरिस्त रियासत है, लेकिन दर हकीकत ये अल्फाज उस वक्त खोखले हो जाते हैं जब आप दूसरे ममालिक को दूसरे तनाजात में अपने बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं और आप उनकी देखभाल के लिए तैयार नहीं होते। शाम के कैंपों में मुतादित कैनेडियन शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर दाइश दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक का शुबा है। उन्होंने इल्जामात का सामना नहीं किया और ना ही उन पर मुकदमा चलाया गया। कैंपों पर कुर्द क़यादत करने वाले हुक्काम का कंट्रोल है। कैनेडियन हुकूमत कैंपों में ज़ेरे हिरासत शहरियों के अहले खाना की जानिब से शुरू किए गए वफाकी अदालत के मुकदमे में उलझ गई है। अहले खाना के वकील का इस्तदलाल है कि ये कैनेडा के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के खिलाफ है कि उन शहरियों को वहाँ सड़ने दिया जाए और उन्हें घर न लाया जाए। हुकूमत ने इस्तदलाल किया है कि ये शहरी का हक नहीं है कि वो तवक्को करे कि हुकूमत गैर मामूली इकदामात करेगी और हुक्काम को बैरून मुल्क किसी मुश्किल में होने की सूरत में उन्हें बचाने और वापस करने के लिए खतरे में डालेगी। आखिरी लम्हात के मुहिदे के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने 19 खवातीन और बच्चों को वतन वापस लाने पर इत्तेफाक किया, जो मुकदमे का हिस्सा है, लेकिन 4 कैनेडियन मर्द नहीं। खानदान इब्तदाई तौर पर अदालत में कामयाब हुए थे, लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ अपील ने इस फैसले को कलदम करार दे दिया कि 4 अफराद वफाकी हुकूमत से उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द बाज़ाब्ता दरख्वास्त करने के हकदार थे। अहले खाना के वकील ने कहा कि वो केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इरादा रखते हैं। यूक्रेन के बारे में जद्दा मुज़ाकरात के हतमी बयान ने इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात ने अमन के लिए मुश्तरका बुनियाद बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बारे में जद्दा मुज़ाकरात के हतमी बयान ने इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात ने अमन के लिए मुश्तरका बुनियाद बनाने में अहम किरदार अदा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जारी बयान में कहा गया है कि बहरान पर मशावरत जारी रखने और मुजवज़ा आरा से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर देने पर इत्तेफाक किया गया है। मुलाकात में मुस्बत तजावीज़ और आरा पर भी गौर किया गया है। दूसरी जानिब रूस के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ख़ावोरा ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के बारे में मग़रिब का इजलास सिर्फ धोखादही और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। मगरिब का इजलास यूक्रेन के सदर के नाम नेहाद अमन फार्मूले की तरवीज के लिए मगरबी इत्तेहादी मुल्कों के सरबराहों की कोशिशों से तश्कील पा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक जद्दा में कौमी सलामती के मुशीरों और अक्वामे मुतहदा समेत 40 से ज्यादा मुल्कों और बैनुल अक्वामी इदारों के नुमाइंदों का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सऊदी वजीर मुमलिकत
وزراء کونسل کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر مساعد بن محمد العبان نے کی۔ شرکا نے اجلاس بلانے اور اس کی میزبانی کرنے پر سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس سفارتی سطح پر سیاسی راہ حل کر کی تلاش کے لیے نہیں ہے بلکہ غلط فائدہ اٹھانے اور روس کے خلاف اتحاد بنانے کے مقصد سے تشکیل پا رہا ہے۔ یہ مذاکرات سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کے تسلسل کے نتیجے میں ممکن ہوئے۔ سعودی ولی عہد مارچ 2022 سے اس حوالے سے کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات میں جن ملکوں اور تنظیموں نے شرکت کی ان میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، بحرین، برازیل، بلغاریہ، کینیڈا، چلی، متحدہ کوموروز، چین، چیک، ڈنمارک، مصر، اسٹونیا، یورپی کمیشن، کونسل آف یورپ، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، بھارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، اردن، کویت، لیٹویا، لتھوانیا، نیدرلینڈس، ناروے، پولینڈ، قطر، کوریا، رومانیا، سلواکیا، جنوبی افریقہ، اسپین، سویڈن، ترکیہ، یوکرین، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، اقوام متحدہ اور امریکہ شامل تھے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے الیکشن فراڈ کیس میں ڈسٹرکٹ جج تانیا چٹکن کو ہدف بنا لیا ہے اور جج کی تبدیلی کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے الیکشن فراڈ کیس میں ڈسٹرکٹ جج تانیا چٹکن کو ہدف بنا لیا ہے اور جج کی تبدیلی کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا موقف تھا کہ اس بات کا امکان ہے کہ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے ججوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے، اس لیے موجودہ جج کی موجودگی میں منصفانہ ٹرائل کا امکان نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ واشنگٹن کے رہائشیوں نے بڑی تعداد میں ان کے خلاف ووٹ دیا تھا، اس لیے ان کے کیس کو واشنگٹن سے منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جج تانیا چٹکن کی دستبرداری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 اگست کو ٹرمپ پر 4 ماہ میں تیسری بار مجرمانہ الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں 2020 کے انتخابات کے نتائج کو بدلنے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ تاہم سابق صدر نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مقدمے کا مقصد 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے ان کی مہم کو نقصان پہنچانا ہے۔ واضح رہے کہ مقدمے کی اگلی سماعت 28 اگست کو ہوگی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے